कोडरमा रेलवे स्टेशन के रेलवे लाइन के किनारे 23 अगस्त को एक महिला और उसके दामाद के साथ कुछ लोगों के द्वारा की गई छिनतई और मारपीट की घटना का शुक्रवार को तिलैया पुलिस ने उद्भेदन किया है। तिलैया पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मामले की जानकारी देते हुए तिलैया पुलिस ने बताया कि 23 अगस्त की शाम करीब 4:30 पर अपराधियों के द्वारा एक महिला और उसके दामाद के साथ मारपीट और छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद तिलैया बस्ती निवासी गीता देवी पिता स्वर्गीय अजय पासवान के द्वारा तिलैया पुलिस से इसके लिखित शिकायत की गई थी। इस मामले के उद्भेदन को लेकर पुलिस अधीक्षक कोडरमा कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक सह तिलैया थाना प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा अनुसंधान एवं छापेमारी के दौरान भादोडी निवासी दानिश खान उर्फ रावण, उम्र 22 वर्ष, पिता मोहम्मद हलीम खान, मोहम्मद साहिल उम्र 20 वर्ष, पिता राजू एवं आर्यन खान उर्फ मोहम्मद करीब उम्र 20 वर्ष, पिता स्वर्गीय असराउल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा अभियुक्तों के पास से लूटा गया एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने घटना के दौरान अभियुक्तों के द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। तिलैया पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में दानिश खान एवं आर्यन खान का आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी कई मामले में अभियुक्त जेल जा चुके हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।